हेलो, आई एम अडुल. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर. माई सेल्फ प्रोफेसर वर्षा सोनी, बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इन सेज ग्रुप. हेलो, आई एम ऑडिबल? यस 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 मैडम. ओके सर, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस प्लेटफॉर्म. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, टू वेलकम टूडे स्पीकर सर. हेलो, इज इट ऑडिबल मैडम? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल. आवाज आ रही है मैडम? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है ना? यस यस सर, आ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विपुल शर्मा. ही इज वेरी सीनियर पर्सन एंड ही गॉट ही एक्चुअली प्रोवाइड his valuable time over here. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. स्पाइडर्स लोगों को डराता भी है, बट इट इज दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और उसी के बारे में आज आपने आपका जो भी व्यूज है, आपका जो भी एक्सप्लोरेशन है, आज आप वो हमें बताएंगे. दैट विल बी डेफिनेटली अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस. I'd like to thank on behalf of Sage University and also Institute of Agriculture Sciences कि आपने अपना कीमती वक्त दिया. तिवारी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने आपसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हुए आपको हमारे समक्ष लाने की कृपा की है. तो तिवारी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. एंड सर वेलकम सर, थैंक यू सर. या सर, थैंक यू सर. एंड अब मैं चाहता हूँ विपुल सर, प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर करते हुए प्लीज स्टार्ट करें सर इस प्रेजेंटेशन को. थैंक यू सर. सर, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एस के तिवारी सर, प्लीज इंट्रोड्यूस टुडे स्पीकर सर. जी 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 सर. विपुल सर, नमस्कार. नमस्कार, सभी का स्वागत है. और मैं विपुल सर का एक बहुत छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ. विपुल सर अपने गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. ये रिसर्चर, एजुकेटर, डिस्कवरर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्सप्लोरर एंड लर्नर 25 वर्षों से बायोलॉजिकल फील्ड से है. और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने स्टार फिश की एक न्यू स्पेसिस डिस्कवर की है, जिसका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा इनके नाम पर स्टेरियो सीडरिस कीर्ति नाम रखा गया है. आपके अंडर में कई स्टूडेंट ने पीएचडी और एमफिल सफलतापूर्वक किया है. आपको विज्ञान प्रसार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है, के द्वारा आपको तीन नेशनल अवार्ड दिए गए हैं. फर्स्ट है गोल्डन वीवर अवार्ड, सेकेंड है टेक्निकल एक्सेलेंस अवार्ड इन रिसर्च, थर्ड है स्पॉट फिल्म मेकिंग अवार्ड नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2018, डॉक्यूमेंट्री ऑन स्पाइडर्स नेम्ड प्रीडेटिंग द प्रीडेटर्स एंड प्रिफरेंशियली मोनोकल्चर ए थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी पर मिला है. आपकी डॉक्यूमेंट्री वांटेड ब्राइट को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में मिला है. और इसके अलावा आपको और भी कई अवार्ड मिले हैं. अभी अभी आपकी दो फिल्म एम्बूस एंड जेस्ट टू लाइफ नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 DST के लिए सिलेक्ट की गई है. प्रेजेंटली फीचर्स मैगजीन स्रोत एंड दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में रेगुलरली आपके आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं. इसके अलावा सर का मेरे से ये कि सर का ये कि सर आप जो है डॉक्टर अशोक शर्मा के पुत्र हैं, जो होलकर साइंस कॉलेज में भूतपूर्व प्राचार्य रहे हैं. और उन्होंने मेरे सीनियर के रूप में मेरे डायरेक्टर थे, काफ़ी मेरी सहायता की है और मेरे को काफ़ी आगे बढ़ाने की उन्होंने प्रयास किए हैं. 75 साल की उम्र थी, उसके बाद भी वो जूलॉजिकल साइंस के थे, उसके बाद भी हॉर्टिकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे और काफ़ी नॉलेज था.
वो ही मेरे को लोटस वैली लेके गए थे और वहां से लोटस लेके आए और लोटस की काफी वैरायटियां मेरे को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इतना कह के मैं अपना स्थान करें। सर आप अपना शुरू कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच तिवारी साहब। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी को धन्यवाद दो। प्रोफेसर दीपक कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशली आई एम थैंकफुल टू सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू प्रोफेसर संतोष तिवारी हु इज वेरी सीनियर प्रोफेसर हियर। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू प्रोफेसर लोकेश सावले एंड प्रोफेसर हेमंत सुराने। So I am sharing my screen and let's start with my PPT, and later on after the PPT I will show you a movie and the name of the movie is Wanted Bride, Badu Chahiye. So this movie is based on the spider. Aapko naam sun ke thoda sa ajeeb sa lagega ki Badu Chahiye, ye to ek social sciences wali movie ho sakti hai, par ye bahut interesting movie hai स्पाइडर्स पर, मकड़ियों पर। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैसे एक मकड़ी जो है, एक फीमेल मकड़ी जो है उसको मेल ढूंढता है, और इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है वधू चाहिए। और ये बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग का एक टाइप है। मूवी बहुत बढ़िया है, आप उसको जरूर देखिएगा। इसको नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे प्राइज मिले हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से स्पाइडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। थैंक यू। यस सर। यस जी आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं बता रहा था आपको स्पाइडर्स अराउंड अस। अब बड़ा अजीब सा मामला ये है कि आई एम इनवाइटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और मैं जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। बातचीत कर रहे हैं, है ना? थैंक यू। तो साथियों देखिए, बहुत सुंदर दो फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर स्पाइडर्स के। और क्या लगता है आपको, ये स्पाइडर्स जो है ब्रिलियंट ब्राइट और डार्क कलर्स जो है इसमें, ये मैंने पेंट कर दिए हैं पेंट ब्रश से कि ये नेचुरल है? ये दोनों स्पाइडर्स में से लेफ्ट वाली जो स्पाइडर है उसको बोलते हैं चेरी सिली, और ये स्पाइडर जो है बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे कॉलेज में मुझे मिली। और राइट हैंड साइड पे जो स्पाइडर है ये नेफिला है, बड़ी जाइंट वुड स्पाइडर बोलते हैं इसको। और ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा, कान्हा, बांधवगढ़ और ढेर सारे नेशनल पार्क में मिलती है। दो बड़े बड़े झाड़ों के सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ओह जी, मैं फिर से शेयर करूँ सर एक बार? हाँ यस सर। यस सर। जी 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 जी, मैं फिर से शेयर करता हूँ सर। Thank you.
जी सर अब दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से। हाँ फर्स्ट दिखाई दे रही है सर आपकी। जी फर्स्ट लाइट दिखाई दे रही है, वेरी गुड। यस सर अब आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है तो मैं बता रहा था कि दोनों स्पाइडर्स जो फोटोग्राफ में दिख रही हैं, इसमें से देखें लेफ्ट वाली स्लाइड जो है उसमें बहुत कलरफुल स्पाइडर है। जी स्पाइडर सॉरी सर स्पाइडर वाली स्क्रीन ही दिख रही है। ओके पीपीटी की पहली स्लाइड नहीं दिख रही इसका मतलब सर। ओके ठीक है सर मुझे एक मिनट दीजिए बस, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है फिर से मैं कर लेता हूँ। जी सर जी सर सर अब दिख रही है, शेयर हो रही है स्क्रीन, स्पाइडर अराउंड अस दिख रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर हो, हाँ यस सर दिख में रही, यस सर दिख रही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। दिख रही है ये कुछ प्रॉब्लम थी पर मेरे ख्याल से वो दूर हो गई। तो दोनों आपको स्पाइडर्स दिख रही हैं यहाँ सर। जी यस सर दिख रही है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, मुझे प्लीज बताइएगा कि फुल स्क्रीन हो रही है कि नहीं। यस सर यस हो गई फुल स्क्रीन, अभी नहीं हुई सर। जी हाँ हो गई सर। थैंक यू वेरी मच सर, सॉरी टू बॉदर यू। देखिए बहुत सुंदर दो स्पाइडर्स हैं और लेफ्ट हैंड पे जो स्पाइडर है वो बड़ी कलरफुल है और फ्लोरोसेंट है और मैं आपको यही बता रहा था कि ये स्पाइडर मुझे होलकर साइंस कॉलेज में ही मिली है। तो स्पाइडर्स जो हम जानते हैं कि बहुत ब्राउन है, बहुत डार्क है और बहुत डरावनी होती है, वैसा जरूरी नहीं है, हर स्पाइडर इतनी बुरी नहीं होती है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत सी स्पाइडर है जो होलकर साइंस कॉलेज से मैंने कलेक्ट करी और देखिए क्या ब्रिलियंट कलर्स हैं इसके। तो स्पाइडर बहुत सुंदर भी होती हैं पर मैक्सिमम स्पाइडर्स जो होती हैं वो थोड़े से डार्क कलर की होती हैं क्योंकि स्पाइडर्स को बहुत सारे शिकारियों से खतरा भी रहता है। अब यहाँ पर देखें कि एक जो स्पाइडर है वो राइट हैंड साइड में जो बताई गई है वो नेफिला स्पाइडर है, खूब बड़ी स्पाइडर रहती है और वो बड़ी स्पाइडर जो है नेफिला वो जाइंट वुड स्पाइडर कहलाती है। दो बड़े बड़े सागवान के जो वृक्ष हैं उसके बीच में बड़े पर्दे के समान जाले बनाती है और कीट पतंगों को पकड़ती है। तो इस प्रकार से ये स्पाइडर्स जो हैं बड़ी खूबसूरत हैं। ये वो प्लेसेस हैं इंदौर के आसपास के जहां से हम लोग स्पाइडर्स को कलेक्ट करते हैं। तो आप सभी लोग भी इन विभिन्न प्रकार की जगहों पे गए होंगे जहां पर राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या आसपास के जो और पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो रिवर्स हैं जहाँ पर, वो सब हैं। जैसे यहाँ पर जो है मैं आपको जोगी भड़क बता रहा हूँ, कुछ प्लेसेस वो हैं। फिर आगे जो है वो चोरल वाला घाट है और ऐसी ढेर सारी जगह जहां से हम स्पाइडर्स को पकड़ते हैं और फिर हम उनको लैब में लाते हैं। हम उनको रियर करते हैं। देखिए रियर करने के बाद हम उनके ढेर सारे यंग वंस को ग्रो करते हैं। जब उनको रियर करते हैं, मैटिंग होती है और उनके यंग वंस को ग्रो करते हैं, तब हम उनकी बिहेवियर को जान पाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो स्पाइडर्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन खूब ज्यादा है। स्पाइडर्स हमको घरों में भी दिखती है, खेतों में भी दिखती है, जंगलों में भी दिखती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो छुपी रहती हैं, पत्थरों के नीचे छुपी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्पाइडर है जिसको हम बोल रहे हैं फेरी हेयर एंड क्रीपी स्पाइडर, ये वुल्फ स्पाइडर है। और देखिए इसने अपने पेट के ऊपर लगभग 100 के करीब बच्चों को बिठा रखा है और ये सारे यंग वंस जो हैं ये उस मदर स्पाइडर के साथ साथ रहेंगे कुछ दिनों तक और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो छोड़ करके मदर को जा सकते हैं। तो ये थी वुल्फ स्पाइडर। अब देखें जरा एक और प्रकार का नीचे फोटोग्राफ दे रखा है जिससे हम सब परिचित हैं और ये है
स्पाइडरमैन का, और स्पाइडरमैन हम सबको बड़ा आकर्षित करता है। और आप सबने मूवी देख रखी होगी जिसमें स्पाइडरमैन जो है वो अपने रिस्ट को मूव करता है और तुरंत वहां से एक जाला निकलता है, चिपक जाता है और स्पाइडरमैन हैंग करते हुए इधर से उधर बिल्डिंग्स पे मूव करता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वाकई में इस प्रकार का स्पाइडरमैन बन जाए? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग भी जो है वो क्यों ना इस प्रकार से लटकते हुए इधर उधर घूम सके? तो ये सब हमको बड़ी फैंटेसी लगती है और वाकई में अभी ये सब कल्पना ही है, पर बहुत सारी इसमें से चीजें अब वास्तविकता में बदलने वाली है। आगे आने वाले वर्षों में हम बहुत जल्दी बुलेट प्रूफ जैकेट बना लेंगे, हम बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे शूज बना लेंगे जो स्पाइडर्स के हों। अब ये देखते हैं कि स्पाइडर्स जो हैं वो एक सामान्य एनिमल की तरह है, वो वेब भी बनाती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता भी होती है, साथ ही साथ उनको एनिमीज से बचना भी होता है। ढेर सारे शिकारी एनिमल्स हैं जो उनको मारते हैं, जैसे देखिए चिड़ियां हैं, बहुत सारे प्रकार की बर्ड्स हैं, वो स्पाइडर को मारती हैं, शिकार करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्पाइडर्स इनके जालों से अपने घोंसलों को भी बनाती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया घोंसला बताया गया है, उसकी सारी ट्विग्स, घोंसले की जो डंडियां है, ब्रांचेस जो है, उसको स्पाइडर के सिल्क से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चिड़िया जो है अपने घोंसले भी स्पाइडर सिल्क की मदद से चिपकाती है, बनाती है। तो स्पाइडर जो है वो वेब भी बनाती है, वो दूसरों का भोजन भी है, इसलिए वो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे प्राणी जो है वो केवल स्पाइडर को खाते हैं, बहुत सारे प्रकार की छिपकलियां हैं, गिरगिट हैं, वो उनपे जिंदा रहते हैं, तो हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए है कि बहुत सारी स्पाइडर, सभी स्पाइडर्स जो है वो कार्निवोरस है। कार्निवोरस मतलब वो मांसाहारी है, वो शिकार करती है, प्रीडेटिंग है, वो चुपके से अचानक अटैक करती हैं और वो शिकार को पकड़ लेती है। अब हम सब जानते हैं कि अगर हम खेतों में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का उपयोग न करें तो फसल उगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट्स हमला करते हैं कि हमको पैसा ज्यादा लगाना पड़ जाएगा खेती के लिए और मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स रहती हैं, जो ऑर्गेनिक फूड रहते हैं, वो बड़े महंगे रहते हैं, वो सामान्य लोगों के बलबूते की बात नहीं रहती कि उनको खरीद पाए, क्योंकि उसमें इतना पैसा लग जाता है अगर ऑर्गेनिक, क्योंकि उत्पादन क्षमता बहुत। आप सभी ये जानते हैं कि कितना मुश्किल है अगर हम केमिकल्स का उपयोग न करें खेती में और पेस्ट का कंट्रोल न करें, इंसेक्ट पेस्ट को। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि क्यों ना हम स्पाइडर्स को पालें, और स्पाइडर्स जो है, मैं आपको बता दूं, हर स्पाइडर जो है लगभग 10 इंसेक्ट्स को रोज खाती है। तो कितना बढ़िया तरीका हो कि अगर हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का उपयोग करने के बजाय हम जो है केवल स्पाइडर्स का उपयोग करने लग जाए। और ऐसे बहुत सारे प्रकार की स्पाइडर्स होती हैं जो खेतों में मिलती हैं। अब आप जब भी खेत में घूमें तो ध्यान रखिएगा कि जमीन पर रेंगने वाली बहुत सारी स्पाइडर्स को देखिएगा ध्यान से, और उसमें से वोल्फ स्पाइडर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो वोल्फ स्पाइडर जो है ढेर सारे शिकार करती है। यदि भी ये जरूर है, आप मुझसे कहेंगे कि सर वो तो फायदेमंद इंसेक्ट्स को भी मारती होंगी या कीट पतंगों को ऐसी मारती होंगी जो हमारे फायदे वाले भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है कि फायदे वाले कीटों को भी मारती हैं, पर यूजुअली हमारे खेतों को जो नष्ट करता है वो तो पेस्ट रहता है, ज्यादा जो है कीट पतंगे वो हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले, तो उनके उनको हम उनसे हमारे खेतों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए तो जरूरी हो जाता है कि हम उनका इस्तेमाल स्पाइडर्स का करें।
तो स्पाइडर्स का एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम यह है कि वो हमारे लिए इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे खेती की क्षमता को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। चाइना में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। वहां पर सूखी पतली डंडियों के सरकोंडों से ढेर सारे ढेर लगा दिए जाते हैं खेत की बाउंड्री पर और वहां पर स्पाइडर्स छुप जाते हैं और जब दिन होता है रात में छुप जाती हैं वो स्पाइडर्स और दिन होता है तो फिर से निकलती हैं और खेतों में घूमती हैं और वहां पर बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है पेस्ट को। स्पाइडर्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करती है पेस्ट को। तो खैर ये मैंने आपको स्पाइडर्स की खूबी बताई। अब वैज्ञानिक जो है स्पाइडर्स को वो तीन चार चीजों से बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। देखिए प्रत्येक वैज्ञानिक के कुछ एक्सपेरिमेंट के एनिमल्स होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कुछ लोग जो है कुछ वैज्ञानिक जो है वो बंदरों पे काम करते हैं, कुछ जो है मेंढकों पे काम करते हैं, चूहों पे काम करते हैं, वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक स्पाइडर्स पे भी काम करते हैं। तो स्पाइडर क्या बहुत काम की जीव है क्या? तो स्पाइडर्स बहुत काम की जीव है। तो मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों की पहली पसंद स्पाइडर इसलिए है क्योंकि पहली बात वे बहुत बढ़िया सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क जो है उनका बड़ा टफ है, इसलिए तो ये चिड़ियाओं ने अपने घोंसले को चिपकाने के लिए सिल्क का इस्तेमाल करा। अब सिल्क जो है कई प्रकार के होते हैं और उन सिल्क के फायदे हम भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए सिल्क पर बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। पहली कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। दूसरी बात, सिल्क से हमको एलर्जी नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमको कुछ सेल हमारे शरीर में पहुंचाने हैं या हमारा टेंडन टूट गया है, हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट टूट गया है, मसल्स को जोड़ने वाला टेंडन टूट गया है। अब ये टेंडन और लिगामेंट फिर से शरीर में नहीं बनते, एक बार टूट गए तो वो बनते नहीं है। हमारे जो एथलीट्स हैं, जो बहुत बढ़िया बॉलर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इनमें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है कि नी में मोच आ गई और वो लिगामेंट या टूट गया है, टेंडन टूट गया है। अब हम लिगामेंट और टेंडन स्पाइडर सिल्क से बना सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि चूंकि ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सिल्क जो है वो प्रोटीन का बनता है, अमाइनो एसिड्स की चेन है, ढेर सारा प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। तो शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता है। आपको मालूम है हमारे शरीर में बाहर से कोई भी चीज अंदर जाती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम उसको फेंक देता है। हम दूसरों से किडनी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम उसको थ्रो कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। पर स्पाइडर का सिल्क नहीं रिजेक्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हम ऐसे ढेर सारी चीजें बनाने जा रहे हैं जो अब स्पाइडर सिल्क की होगी। आपको मालूम है कि हमारे सेल में केराटिन नामक प्रोटीन होता है। दैट प्रोटीन गिव्स अस कलर आल्सो, दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू आवर सेल्स आल्सो। अब ये प्रोटीन जो है, ये अगर हम इस प्रोटीन को स्पाइडर सिल्क से रिप्लेस कर दें तो ये प्रोटीन जो स्पाइडर सिल्क का प्रोटीन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टफ है। होगा ये कि हमारे बॉडी के सारे सेल टफ हो जाएंगे, उनमें खूब मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपको याद होगा वो महाभारत का एक पात्र था कर्ण, जिसने कवच अपना दान में दिया था क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांग था। उससे दान में मांग लिया गया था कवच, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर कर्ण कवच नहीं देगा तो उसको युद्ध में हराना संभव नहीं होगा। और वैसे के वैसे कवचधारी हम हो सकते हैं अगर हम हमारे सेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू स्पाइडर के सिल्क वाला जीन डाल दें। तो हमारे केराटिन के प्रोटीन के बजाय स्पाइडर का सिल्क आ जाएगा और वो बिल्कुल कवच की तरह हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बस बहुत सारी खूबियां हैं जो मैंने आपको कुछ बताई हैं। आगे चलकर हम इन खूबियों को और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो स्पाइडर्स एक तो सिल्क के कारण उनको बड़ा इंटरेस्टिंग समझते हैं, दूसरा कारण ये है कि स्पाइडर में विनम होता है, स्पाइडर काटती हैं, उनमें जहर होता है। देखिए स्पाइडर जो है वो अपने बराबर या अपने से थोड़े बड़े जानवरों को, कीट पतंगों को खाती है, उनमें विनम होता है, वो उसको मारने के लिए होता है, एक मच्छर को मारने के लिए होता है, एक मक्खी को मारने के लिए होता है। आप इसलिए घबराए ना स्पाइडर से, आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्पाइडर में विनम है, अच्छा है दूर रहो उनसे। मैं आपको बताऊं मेरी लेब में हम लोग स्पाइडर्स को रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइडर जो वहां पर, जो आपने सबने सुन रखी होगी, देखी नहीं होगी,
नेशनल ज्योग्राफी एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी चैनल पे आप उसको देख सकते होंगे, वो है विडो स्पाइडर, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो हमारी लैब में, और हम जब उसको खाना खिलाते हैं, मक्खियां खिलाते हैं, तो कई बार वो बोतल से बाहर आ जाती है और हमारे हाथों पे चलने लग जाती है। पर घबराने की बात नहीं है, उससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। वो बड़ी डोसाइल है, वो बड़ी कमजोर है, डरपोक है। हम उसको वापस से बोतल में कर देते हैं, और इस प्रकार से हम स्पाइडर्स के जहर पे भी काम करते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट जो है वो स्पाइडर के वेनम पे काम करता है। स्पाइडर को 4 वोल्ट का झटका लगाओ और उसके जो दांत हैं, जिनको हम बोलते हैं फैंग्स, उससे हल्का सा जहर निकलता है, और उसको हम एक माइक्रोपिपेट में ले लेते हैं और उसके वेनम की स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो ब्लैक विडो का वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिक है, वो नर्व सिस्टम में को स्टिमुलेट करता है। नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो उससे एसिटाइल कोलीन का लिब्रेशन बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलीन एक रसायन है। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैरालिसिस हो जाता है, उनको उनके शरीर का एक भाग राइट लेफ्ट जो है काम नहीं करता है। वो चाहते हुए भी अपना हाथ नहीं उठा सकते, वे चाहते हुए भी अपना पैर नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां पर नर्व कंडक्शन की प्रॉब्लम आ गई, उनकी नर्व्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। अब कितनी बढ़िया तरीका ये हो कि हम स्पाइडर का वेनम निकालें और वहां पर नर्व्स को दे दें और नर्व्स उससे नर्व कंडक्शन स्टार्ट कर दें। तो स्पाइडर को, ये स्पाइडर की कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि उसके वेनम को हम, उसके जहर को हम मेडिसिन की तरह उपयोग में ला सकते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। देखिए, एक तो पहली मैंने आपको बताई सिल्क की, कि स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। हमारे पास ऐसा कोई और एनिमल नहीं है जो इतना टफ सिल्क प्रोड्यूस करता हो। आपको सिल्क की शायद खूबियां नहीं पता है। सिल्क का एक पतला सा फाइबर स्टील से भी स्ट्रांग होता है, और अगर हम पेंसिल की मोटाई वाला सिल्क बना लें, इकट्ठा कर लें पेंसिल की मोटाई वाला, तो उसको तोड़ना असंभव है। एक बोइंग भी जाकर के उससे टकराएगा तो उसको नहीं तोड़ सकता, इतनी ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रेंथ होती है सिल्क में। और अगर हम उस सिल्क से अगर हम बहुत सारे कपड़े बना लें तो बड़ा मजा आने लग जाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट्स के सूट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, उनमें सूट पहनते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो भारी होता है काफी। हमको हल्का चाहिए, और ऐसा चाहिए जिससे कि नुकसान भी नहीं हो, प्रोटेक्शन मिल जाए, तो कितनी बढ़िया बात रहे। तो ये देखिए, ये 15 जून की खबर है, आप सबने शायद देखी हो, व्हाट्सएप पे आई हो, टीवी पे आई हो। ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह जो है इस प्रकार के जाले हो गए विक्टोरिया में, क्योंकि ये पूरा हिस्सा बाढ़ के कारण डूब गया था। पर जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे उतरा, जो छुपी हुई स्पाइडर थी वो सब बाहर आ गई, और ढेर सारे इंसेक्ट्स भी हमने देखा है कि बारिश के दिनों में निकलने लग जाते हैं, तो वो स्पाइडर्स भी निकल गई, इंसेक्ट्स भी निकलने लग गई, उनको खूब खाना मिलने लगा, और पूरा एरिया जो है वो देखिए जाले से भर गया। ये 15 जून की खबर थी, आप इसको देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाखों स्पाइडर्स जो है वो आ गई। अब वहां के लोगों को बड़ा डर भी लग रहा था, पर मैं आपको बताऊं कि स्पाइडर्स जो है हमारी त्वचा को काट ही नहीं सकते। हमारी त्वचा इतनी मोटी रहती है कि उनके छोटे छोटे फैंग्स या जहरीले दांत जो रहते हैं वो हमको चुबाने पर हमको कोई असर नहीं होता। इसलिए जो ये खबरें आती रहती हैं डर की, स्पाइडर ऐसा कर सकती है और स्पाइडर काटने से छाले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कुछ स्पाइडर्स हैं जो वाकई में जहरीले हैं, पर हमारे इंडिया में, हमारे इंदौर में इस प्रकार की कोई स्पाइडर नहीं है, और ऐसे मरने के कोई प्रकरण नहीं है। आपको मालूम है कि हमारे पास लगभग इंडिया में 10,000 लोग बाग सांप से मरते हैं। स्पाइडर से मरने की आपने कभी कोई खबर सुनी है? कभी नहीं सुनी। तो स्पाइडर अगर हमको काट भी लेती है तो बिल्कुल वैसा लगेगा, पहले तो काटती ही नहीं है, और काटेगी भी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ज्यादा से ज्यादा मच्छर ने काटा हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो ये बाढ़ के कारण कितनी सारी स्पाइडर्स जो है वो अब ग्राउंड पे आ गई हैं, और ये ग्राउंड स्पाइडर्स जो हैं बड़े काम की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि खेतों में भी देखिएगा, मैं हर बार जब खेत में जाता हूँ तो ये छोटी वाली जिनको हम बोलते हैं वुल्फ स्पाइडर, ये बहुत मिलती है।
और वुल्फ स्पाइडर्स को वुल्फ स्पाइडर इसलिए कहते हैं क्योंकि भेड़िए की वो ताक में बैठी रहती है शिकार के, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उनको दिखता है तुरंत झपटा मारती है और पकड़ लेती है। तो स्पाइडर्स बड़ी मजेदार है। ये देखिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, आपको ये क्या दिख रहा है, मुझे कोई बता सकता है ये क्या है? ये चींटियां हैं कि मकड़ियां हैं? वाकई में ये सब मकड़ियां हैं जो चींटी जैसी दिख रही हैं। ये सारी की सारी जो है मकड़ियां हैं, इनको बोलते हैं एंट मिमिकिंग स्पाइडर्स। ऐसी मकड़ियां जो एंट के जैसा रूप धर लिया है, शेप वैसा हो गया है, कितना बढ़िया एडॉप्टेशन है, क्योंकि हम चींटियों से बड़े डरते हैं। चींटियां काटती है तो हम डर के भाग जाते हैं। चींटियों से कौन उलझना चाहेगा? कोई नहीं। जहां चींटियों का बड़ा समूह हो तो वहां से बड़े बड़े पक्षी और एनिमल्स भी भाग जाते हैं। तो स्पाइडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम मिमिक्री करें, हम मिमिक्री करें एंट की, तो हमसे भी सब डरेंगे। तो इनमें से बहुत सारी मकड़ियां जो है एंट के साथ रहती हैं। जैसे आपको लाल कलर की जो दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप, वो जो स्पाइडर है वो एक साल्टी सीडी फुदकने वाली स्पाइडर है, जंपिंग स्पाइडर है, पर वो एंट के साथ रहती है क्योंकि उससे उसको सुरक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ये भी अलग अलग प्रकार के स्पाइडर्स हैं। तो हमारे पास लगभग विश्व में 40,000 प्रकार की मकड़ियों की प्रजातियां ज्ञात है। 40,000 प्रकार की मकड़ियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइडर्स। और हम अगर इंडिया में देखें तो हमको लगता है कि 1200 प्रकार के स्पाइडर हमको पता है इंडिया में मिलते हैं। पर मैं आपको बताऊं, सच्ची बात तो ये है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि हमको अधिकांश स्पाइडर तो अभी पता ही नहीं है। मतलब उनको लगता है 40 के बजाय पृथ्वी पर 80,000 प्रकार की स्पीशीज होनी चाहिए थी मकड़ियों। मतलब ये है कि 40,000 स्पीशीज हमको पता ही नहीं है अभी, और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को लगता है कि वो नई प्रजाति स्पाइडर की खोज सकते हैं। जंगलों में इधर उधर घूम करके वो नए नए प्रकार की स्पाइडर्स की प्रजातियां खोज सकते हैं। कुछ चींटियों के साथ रहती हैं, कुछ बार्क के नीचे रहती हैं, कुछ पत्तियों के अंदर छुपी रहती है, कुछ जमीन के अंदर, कुछ पत्थरों के नीचे, और अलग अलग लगभग हर जगह स्पाइडर मिलती है। तो मैं भी बहुत सारे प्रकार के इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करता हूँ, कुछ विदेशी संस्थाएं हैं, कुछ इंदौर या इंडिया की संस्थाएं हैं, और इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों को स्पाइडर्स बहुत अच्छी लगती है अनेक कारणों से, बहुत सारे कारण हैं। अब देखते हैं जरा कि स्पाइडर्स हमको कितनी पुरानी है। तो स्पाइडर्स बहुत पुरानी है। जब हम नहीं आए थे उसके पहले भी स्पाइडर्स थी, जब डायनासोर्स नहीं थे तब भी स्पाइडर्स थी, जब कीट पतंगे पृथ्वी पर आए तब भी स्पाइडर्स थी, और स्पाइडर्स के हमको फॉसिल भी मिलते हैं। तो लगभग 380 मिलियन ईयर्स पहले से स्पाइडर मिलती हैं। हमको इनके फॉसिल्स भी मिले हैं स्पाइडर्स के। देखिए फॉसिल हमेशा, जीवाश्म हमेशा उन चीजों के मिलते हैं जो बहुत कड़क हो। अब स्पाइडर्स जो है वो नन्ही सी जान है और कमजोर है, इनके फॉसिल्स इसलिए कम मिलते हैं, दुर्लभ है इनके फॉसिल्स। पर जब हम इनके फॉसिल्स देखते हैं तो कुछ फॉसिल्स हमको ऐसे भी मिले हैं जिनमें उनके रेशमी जाल भी फॉसिल बन गए, रेशम मतलब सिल्क भी फॉसिल बन गया उनका। और उससे हमको पता पड़ता है कि इतनी पुरानी मकड़ियां जो पृथ्वी पर सबसे पहले आई होंगी वो भी सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अब इतनी पुरानी मकड़ियां सिल्क क्यों प्रोड्यूस करती थी? तो ध्यान रखें उस समय ज्यादा कीट पतंगे पृथ्वी पर नहीं थे, पर वो मकड़ियां तो प्रोड्यूस करती थी। तो हमको वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि शायद उस समय गर्मी से, हीट से बचने के लिए मकड़ियों ने सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करा होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। हेलो, जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही मैं ज्वाइन कर लूंगा।